मैसेज भी नहीं, सोशल मैसेज है। आज के टाइम में जो पॉपुलेशन इतना बड़ा एक चीज बढ़ती चली जा रही है, तो हम लोगों ने वो एक अपनी स्टोरी को थोड़ा फनी, थोड़ा सा एक स्लाइस ऑफ लाइफ के जरिए ना आगे बढ़ाने की कोशिश की। बस ये इतना। और पोस्टर को देखते हुए आपको लगता है कि थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ें पोस्टर में दिखाई दे रही है, अगर आप उस बारे में कुछ बात करना चाहें धर्म को लेके? कंट्रोवर्सी की बात है नहीं, ऐसा कुछ उसमें कंट्रोवर्शियल है ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो जैसे जो स्टोरी मिलती है हम लोगों ने उसको उसको एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, कंट्रोवर्सी का तो कुछ एक्सपीरियंस किया। मैं तो बहुत जूनियर हूँ सर से, सर से मैंने उल्टा सीखा काफ़ी, बहुत कुछ करना बाकी है। अच्छा अच्छा ही होगा। अनु सर आपसे जानना चाहूंगा, इस तरह के सब्जेक्ट पे कितना चैलेंजिंग हुआ आपके एज एन एक्टर? अगर कुछ इस तरह का सब्जेक्ट ही नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए बहुत चैलेंजिंग है भाई। काम को अगर आप गंभीरता से समझेंगे, कैजुअली नहीं लेंगे किसी भी चीज़ को, वो बड़े नसीब वाले लोग होते हैं जो जिनके जिनको कैजुअली काम सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। हमें तो एक एक पैसे के लिए बहुत मेहनत, कड़ी मेहनत करनी पड़ी है, एक एक रोल के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ा है। तो कोई भी फिल्म हो, अभी कमल चंद्रा की फिल्म है, अगले साल ये दूसरी कोई फिल्म बनाएंगे, वो ऑफर करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, मैं तो हर फिल्म के लिए बहुत मेहनत। प्रोड्यूसर साहब से एक सवाल है मेरा, अनुसर को आपने कास्ट किया है जो अपने आप में टैलेंट के प्रतिभा में कूट कूट के भरी है, कितना आसान या मुश्किल होता है अनुसर को रोल देना और अनुसर का फिल्म में आना, क्या कहना? अनुसर का हमारी फिल्म में आना हमारी खुशनसीबी भी है, ये हमारे साथ काम कर रहे हैं और इनके जैसा एक्टर शायद हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। इज़ अ वेरी टैलेंटेड मैन इन आवर इंडस्ट्रीज। हम बहुत खुश हैं इनके साथ काम करने के लिए, हम बहुत मतलब उत्साहित हैं हमारी पूरी टीम। और हमारे साथ में दो और एक्टर्स हैं, मनोज जोशी जी हैं जी, उनको भी हम ऑन बोर्ड हैं हमारे साथ में, एंड अश्विनी कालशेकर भी हैं, वो अभी प्रेजेंट नहीं हो पाई हैं, वो भी शूट पे कहीं बिजी हैं हैदराबाद में, एंड मनोज जोशी दिल्ली में बिजी हैं इसलिए वो नहीं आ पाए। सर के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा अगर नज़र डाले, या काफ़ी अलग, काफ़ी डिफरेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर है, तो right, बता दीजिए उनके लीड जी जी, कुछ बता सकते हैं अगर दर्शकों को हल्का फुल्का, या हमने अभी तक कुछ देखा नहीं कैरेक्टर का, बहुत ज़्यादा अभी रिवील नहीं कर पाएंगे। अच्छा अच्छा। बट ये है कि सर के साथ चीज़ें बहुत आसान हो गई, जो हम लोग सोच रहे थे बहुत, तो सर इतना एक्सपीरियंस है हमारे सीनियर है, तो जो बहुत मुश्किल चीज़ें थी बहुत इसको आसान बना। ये देखिए आप सभी पूछेंगे, लेकिन अपने आप में कमल चंद्रा जी का और रवि गुप्ता जी का जो प्रोजेक्ट है और उसका जो टाइटल है वो अपने आप में इतना सिंबॉलिक होते हुए भी बहुत प्रोमिनेंट है और बहुत क्लियर है, हम दो हमारे पास। आप समझे, मुट्ठी खुलने से पहले अंदाजा तो हो गया है कि इस मुट्ठी में चांदी है, सोना है कि डायमंड है, तो टाइटल अपने आप में बता देता है और अंदाजा लग जाता है। वैसे एक कभी मुझे मैसेज एक मिला था अपने लोगों के बारे में, हम सब के बारे में, भारतीय लोगों के बारे में, तो मैसेज ये था कि हम जो इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं, इंडियंस हैं, हम स्वभाव के बड़े शर्मीले होते हैं, हम इंडियन स्वभाव के बड़े शर्मीले होते हैं, तो शर्मा शर्मी में 130 करोड़ हो गए, तो बोलो किसी दिन खुल के सामने आ गए तो पता नहीं आप समझे ना। ये अनु सर बहुत लिमिटेड देख पा रहे हैं आपको, स्क्रिप्ट्स वगैरह कुछ गिने चुने ही कर रहे हैं आप, क्योंकि आपके चाहने वाले आपको और देखना चाह रहे हैं फिल्मों में, बट एनी काइंड ऑफ यू नो कुछ गिन चुन के ही चीज़ें कर रहे हैं, वैसे कुछ है अभी रिसेंट टाइम्स में? कोशिश की है कि अच्छा काम कर सके, अब हमारी शक्ल सूरत ऐसी तो है नहीं कि हर आदमी दूसरा देखेगा हीरो बना देगा डांस कर लेगा, ना हमारे पास शक्ल है ना सूरत है ना टैलेंट है, कुछ भी नहीं है भाई, क्या कहें। सो जो मिला उसको ईमानदारी के साथ करने की कोशिश की है, और आज ये हम दो हमारे बारह है, लेकिन आज ही मेरी अमेजोन ओरिजिनल सीरीज रिलीज हुई जिसका नाम है क्रैश कोर्स, आप देख सकते हैं अमेजोन के ऊपर। तो जब काम करो अच्छा काम, आप देखिए उसको। मेरा सवाल वीरेंद्र जी से, सर इस तरह के सब्जेक्ट को बैक करना कितना इम्पोर्टेंट है, और अगर वो जैसे मैसेज भी बहुत इम्पोर्टेंट दे रही है, अगर सर उस बारे में कुछ बताएं। देखिए ये बेसिकली जो मूवी है जो भी बनाने का, इसका जो टाइटल है अनु सर ने भी बताया, बड़ा ही मतलब इसकी टाइटल जबरदस्त अट्रैक्टिव है अपने आप, हम दो हमारे बारे में, और सर ने बोला भी कि अगर हम लोग इस
तरह से अगर शर्मा सर्वी में 130 करोड़ हो गए कुछ टाइम में, अगर ये ऐसे मैसेज नहीं गया देश को तो ये 200 करोड़ भी क्रॉस कर जाएगा और फिर हम लोग चाइना से भी ऊपर होंगे। तो ये बड़ा मैसेज मतलब अपने आप में हमारे देश के लिए बड़ा अच्छा है कि लोगों को इस मूवी को देखने के बाद कुछ सीखने को मिलेगा कि भाई हम हमारे 2 होने से कितना फर्क पड़ता है और हमारे 12 होने से कितना फर्क पड़ता है। अनुसर आपके पिछले इवेंट पे भी मैं मौजूद था और यहाँ पर भी हूँ, आपने एक चीज़ जो कही है कि आप एक स्ट्रगलिंग एज एन आर्टिस्ट खुद को समझते हैं, इंडस्ट्री में काफ़ी वक्त आप रहे हैं, उसके बावजूद क्या लगता है ये एक डाउन टू अर्थ रहना, अपने आप को आईने के सामने एकदम क्लियर रखना कितना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में जहाँ पे बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो रही है? आपके छोटे छोटे रोल पसंद करते हैं वो अभी भी जो भी आज 67 ईयर्स का हो तो 67 साल के स्ट्रगल के अंदर एक चीज़ सीखी है कि जब आपका टाइम आ रहा है और जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जा रहे हैं तो इन सीढ़ियों के ऊपर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, ठीक है? तो माँ ने कहा था कि जब आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तब भी इनको प्रणाम और सलाम करते चलिए, जब उतरेंगे तब भी यहीं पे खड़े होंगे, आप समझे ना मेरी बात? सो जो आदमी आपके सामने बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि एक व्यक्ति, हम जब लंबी इनिंग की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा लंबी इनिंग हमारी फिल्म इंडस्ट्री में अगर किसी ने खेली है, सारे फील्ड को इंक्लूड कर रहा हूँ, तो वो खेली है जिसका जो अभी चली गई 6 फरवरी को, जिनका नाम था लता मंगेशकर। सबसे लंबी इनिंग उन्होंने खेली है, राज किया है लंबी इनिंग अपने, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कभी उस सफलता को अपने सर पे नहीं चढ़ा, आप समझे, नॉर्मल। उसके बाद इनिंग जो अभी उनकी बहन है आशा भोसले, और तीसरे नंबर पर मेरे हिसाब से अमिताभ बच्चन है। अभी उनकी जितनी लंबी इनिंग है, ईश्वर उनको दीर्घायु प्रदान करे, ठीक है, अभी अगले महीने नेक्स्ट 2 महीने के बाद वो 80 साल के हो जाएंगे, ठीक है, बहुत लंबी इनिंग है। 1969 से स्टार्ट हुई थी, 73 से अगर मानूंगा मैं तो अगले साल कितने साल, बहुत लंबी, बहुत पनी, आप सोचिए 80 साल की इनिंग। तो लंबी, आप तीनों का कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे ना, सफलता मिली, तारीफ मिली, इधर से इधर चली गई, थैंक यू वेरी मच, तो वही ठीक रहता है। बाकी तो बहुत सारे लोगों को देखा जिनको अभी आप इन 40 सालों के अंदर न जाने कितने आए हीरो चले गए, न जाने कितनी हीरोइन आई चली गई, न जाने कितने आएंगे और जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन जिसके अंदर अपना पोटेंशियल है और जो हर संभव से मतलब अपनी सक्सेस के टाइम पर, अपने फ्लॉप होने के टाइम पर चीज़ों को कूल नहीं लेता है, उसके चांसेस ब्राइट हो जाते हैं आगे। कमल जी आपसे एक सवाल है, डायरेक्टर बहुत यहाँ पर काम करने के लिए पूरी टीम को चलाने के लिए प्रोडक्शन ऑन ऑफ एवरीथिंग एडिट से लेकर सब कुछ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई थी आपके जीवन में पिछले फिल्में ऐसी भी रही है, तो कितनी कुछ मेहनत जब कुछ ऐसा हो जाता है कि स्क्रिप्ट चली गई कहाँ पे, मैं डायरेक्टली नाम लेना चाहूँगा बाला मूवी जो थी, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके की फिल्म आ गई। नहीं नहीं मैं क्यों पूछ रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि एक मेहनत बहुत लगती है डायरेक्टर की हर चीज़ के, स्क्रिप्ट पूरी टीम की, पर ऐसे कुछ होता है तो चीज़ें बहुत बैक चली। मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको, उसके पहले अभी इन्होंने हमारे साथ एक और फिल्म किया, हमने बूंदी रहता इसका हमने यहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया था, और अभी अगले महीने हम उसको रिलीज़ कर रहे हैं, उसमें हमने रवि किशन भी हैं, उसमें हिमांशी वाज है, सोनाली है, सोनाली सहगल है, शिल्पा शिंदे है, राजेश शर्मा जी हैं, एंड और भी काफ़ी और कौन अपने अलका अमीन है, राजेश शर्मा और गोपाल दत्त है, नीरज सूद जी हैं, अच्छी फिल्म बनी है। अगले महीने आप लोग हम लॉन्च कर रहे हैं उसको, रिलीज कर रहे हैं OTT पे, तो आपको और रियल कॉमेडी है, रियल कॉमेडी है सर, रियल कॉमेडी फिल्म है, प्लस उसके अंदर में हम एक बाप बेटे का क्या रिलेशन होता है हमने उसको दिखाया, बेटे का कौन है, हमारे डायरेक्टर काफ़ी टैलेंटेड है, इसलिए हमने इनको सेकेंड टाइम मौका दिया हम लोग, हमारी जो ये न्यूटेक मीडिया एंटरटेनमेंट राधिका जी फिल्म है, ये सेकेंड मूवी बना रही है, और एक थर्ड भी हम लोग बायोपिक बड़ा जल्दी बनाने जा रहे हैं, वो भी बड़ी अच्छी डिफरेंट स्टोरी पे मूवी है, और वो भी सस्पेंस है, आप लोगों को फिर से इन्वाइट किया जाएगा,
और कोई सस्पेंस को हटाया जाएगा। कमल जी इतना टैलेंटेड है, तभी हमने इनको मौका दिया और कैंडिडेट में भी बड़ा जल्दी मौका देने वाले हैं। ये एल्बम भी शूट करके आए, इन्होंने बड़ा अच्छा है, दो एल्बम और भी बड़ा अच्छा शूट किया, अच्छा डायरेक्टर है। मैं बता देता हूँ बाला फिल्म का क्या स्टेटस है। अभी मेरा केस है हाई कोर्ट में ही है, ठीक है, और अभी लॉकडाउन की वजह से सब कुछ हो गया था, फिर से शुरू हो रहा है, तो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं पहुँचूँगा आगे बस ज़्यादा खुश। मेरा एक सवाल आपसे, एज एन एक्टर कितना डिफिकल्ट हो जाता है जब भी मूवी रिलीज होती है, उससे पहले सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा हैशटैग निकलते, हैशटैग बॉयकॉट, हाल ही में हैशटैग बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा की भी निकली है, अगर आपकी मूवी की ऐसी हैशटैग निकली तो कितना एज एन एक्टर कितना डिफिकल्ट हो जाता है वो टाइम के लिए? आई नो नथिंग अबाउट हैशटैग और आई डोंट नो बट आई नो वन थिंग that for the last 11 days, for the past 11 days, I have been busy doing PR for my Amazon original series called Crash Course. आज ही रिलीज हुआ है, उसके कमाल के रिव्यूज़ हैं, तो उसमें ही मैं बिजी था। मेरा काम है, मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे पैसे इसलिए दिए हैं, डायरेक्टर ने भरोसा किया है, आपको काम है आप प्रमोट कर दीजिए जी, हमारा काम है प्रमोट का, वो हैश टैग है कि हैश है कि टैग है क्या मेरे को पता नहीं, आई डोंट नो, आई एम नॉट बॉदर, आई एम टू बोरिंग अ पर्सन। And sir, how would you react on hashtag Lal Singh Chadda, जो आमिर खान है, आमिर खान की मूवी आने वाली है? I don't watch movies. I don't know. No comments in it. नहीं, no comments नहीं, मैं मूवी नहीं देखता ना, आपकी ना पराई बात करता, मुझे तो पता भी नहीं है कौन भाई, मुझे सचमुच पता नहीं सर, तो मैं क्या बता पाऊंगा कि वो कौन है भाई, I have no idea. सर इसके अलावा अभी मैंने करीब में क्या राइटर ने और डायरेक्टर ने उस प्रमाइस को, उस स्टोरी को जस्टिफाई किया है, नंबर वन। दूसरी बात, वो जो कैरेक्टर मुझे ऑफर किया जा रहा है उसकी कैरेक्टर स्कीम, एक कैरेक्टर स्कीम एक टर्मिनोलॉजी है जो ज्यादातर लोग समझते नहीं है, कैरेक्टर स्कीम जो है वो डिवाइस है कि वो कैरेक्टर उस फिल्म में उस प्रोजेक्ट में किस वजह से और कितना इम्पोर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, लेंथ होने के बावजूद भी वो लूज कैरेक्टर हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है पावरफुल कैरेक्टर हो जाता है। सो कैरेक्टर स्कीम अगर इम्पोर्टेंट है, उसका कैरेक्टर स्कीम मतलब उस कैरेक्टर का प्लेसमेंट क्या है स्क्रिप्ट क्या है, ये तीनों चीज़ों चारों मिलके जो है मैं डिसाइड करता हूँ कि हाँ मुझे करना है। मैं अभी जैसे अभी साइन किए ड्रीम गर्ल टू, मैं बेशक मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है लेकिन डायरेक्टर राज शांडे ने मुझे एक साथ काम कर चुके हैं, तो कहले अभी मेरे पास वो वक्त नहीं है, वो पहले पिता बनने वाले हैं, तो कहले मैं भैया मैं आपको नरेशन दे देता हूँ, तो ही गेव मी नरेशन 1.5 आवर, रिकॉर्ड तोड़ दिया, मैं तो 15 मिनट से ज़्यादा सुनता नहीं था, लेकिन विश्वास होता है। अब इनके ऊपर पहली बार काम कर रहे हैं, अगली बार इनसे पूछेंगे भी नहीं क्या है, विश्वास बहुत इम्पोर्टेंट है, हाँ यार ये मेरे कैरेक्टर को बर्बाद नहीं करेंगे, मुझे प्रॉपर जस्टिफाई करेंगे सारी की सारी। ड्रीम गर्ल 2 में और ज़्यादा बड़ा, वो जो कैरेक्टर ड्रीम गर्ल में था वो और ज़्यादा, उससे 2.5 गुना ज़्यादा बड़ा, इसका मतलब सोच समझ के उसने लिखी है वो सारी की सारी। इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही मेरे जैसे व्यक्ति सर मैं ये जानना चाहता हूँ, रिजेक्ट करने में बड़ा मासूम क्या कारण, स्टोरी कहाँ की है, काफ़ी कंट्रोवर्सियल लग रही है, मतलब टैगलाइन है उसका जल्द कुछ भी मतलब उसमें जल्दी पीछे छोड़ देंगे यूपी उत्तर प्रदेश की, तो बहन है मतलब हम तो हमारे टैग लाइन दिखाना जल्दी आप मुझे बताओ क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, मतलब ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में तो मतलब सारी चीज़ें पॉपुलेशन पे कंट्रोल की है, थोड़ा जोर से बोलेंगे आराम से बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उत्तर यूपी में तो बहन है मतलब हम तो हमारे दो, ये स्टोरी कहाँ की उसके बारे में बात करते हो, किस स्टेट के हैं मतलब कहाँ से मैच करते हैं, वहाँ पे तो योगी जी ने कर रखा है हम तो हमारे दो, उन्होंने क्या कर रखा है देखिए। अब आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ, इधर उधर की बात ना घुमाते, एक डायरेक्टर के पास एक सब्जेक्ट आता है, एक राइटर सब्जेक्ट को लेके आता है, एक आइडिया को लेके आता है, डायरेक्टर और राइटर के बीच में एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होता है कि हम कहना क्या चाहते हैं, वो इम्पोर्टेंट है कहना क्या चाहते हैं। अगर आप इसका हिस्टोरिकल रेलेवेंस देखेंगे, वहाँ बैन है वहाँ बैन नहीं है, ये वो नहीं है सब्जेक्ट,
ये विट और ह्यूमर के माध्यम से, विट और ह्यूमर के माध्यम से, मैं कॉमेडी में नहीं हूँ, विट ह्यूमर विनोद प्रिय के माध्यम से एक गंभीर समस्या को समाज के सामने लाने का प्रयास है। जब फिल्म बन जाएगी तब आपको पता पड़ जाएगा कि हम किस जोन में काम कर रहे हैं। तो प्रोड्यूसर साहब से ये जानना चाहता हूँ मैं कि आपकी दो बैक टू बैक फिल्म जैसे आ रही है, एक तो बूंदी रायता और हम दो हमारे दो, ये दोनों किस तरह से आप रिलीज करने वाले, कोई डेट है कुछ ऐसा बताइए ऑडियंस को, क्योंकि हम सिर्फ अनाउंसमेंट सुने, रिलीज डेट हम चाहते हैं जानना हो कौन से रिलीज डेट पर। या कुछ अगर रिलीज डेट हमारा बूंदी रायता का प्लान चल रहा है सितंबर में। अच्छा, सितंबर का प्लान चल रहा है हमारा। एंड हम दो हमारे 2023 करेंगे। एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट इन दोनों से जानना चाहूँगी, बच्चे लोगों को इनको कैसा लगा अनु जी के साथ काम करके, क्या कुछ कहना चाहूँगी? लेकिन विश्वास दिलाता हूँ अच्छा ही लगेगा। एक्साइटमेंट कितनी है? मेरी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, बिकॉज इनकी ड्रीम गर्ल मूवी देखी थी तब से इनकी बहुत बड़ी। और इस दिन हमारी एक और मूवी में ऑलरेडी काम कर चुकी है, बूंदी रायता में, तो मैं अगले मंथ आने वाली हूँ। बड़ा अच्छा रोल इसने किया है, देखेंगे। काफी टैलेंटेड है। आज आप लोगों के सामने ये पहला दिन है, पोस्टर लॉन्च का दिन है। ये पोस्टर लॉन्च की पोस्टर लॉन्च का अभी प्रथम चरण, इसलिए अगर आप इसके अंतिम चरण की बात करेंगे कि फिल्म ने कैसा शेप लिया है, तो प्रथम चरण है, फर्स्ट स्टेप है, उसमें हम सब सीधे बोले, हमारे प्रोड्यूसर ने रवि गुप्ता जी ने आप सब लोगों को आमंत्रित किया, आप सब लोगों को सहयोग चाहिए। पोस्टर लॉन्च हो गया, हम दो हमारे 12 हमारे पास